ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान अब इसराइल को जवाब जरूर देगा। 26 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर के ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। इसराइल ने ईरान के 3 प्रांतों में हमला किया था। इस हमले में नेतन्याहू ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा भी किया है। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान अब इसराइल को जवाब जरूर देगा। जो 26 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान पर हमला किया है उस पर अब प्रहार किया जाएगा। ईरान पर इसराइल के हमले की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है, जिसके मुताबिक दावा किया गया है कि इसराइल ने ईरान के पूर्व परमाणु हथियार के ट्रेनिंग सेंटर और मिसाइल केंद्र को निशाना बनाया था। इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला करने का दावा किया था। तो ईरान पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। ईरान की मिसाइल सेंटर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं परमाणु हथियारों के सेंटर को निशाना बनाया गया। इस वक्त पूरे ईरान के हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा है। चर्चा इस बात की है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई इसराइल पर पलटवार का ऑर्डर कब देने वाले हैं। इसराइल को जवाब देने के लिए तेहरान में सेना के टॉप कमांडर्स की मीटिंग पर मीटिंग हो रही है और इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने अब इसराइल पर हमला किया तो उसे अंजाम भुगतना होगा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी परमाणु बम गिरने के खतरों के बीच चरमराती आर्थिक व्यवस्था के साथ और सबसे बड़ी बात की तबाह हो जाने के अंदेशे के बावजूद ईरान इसराइल पर कर रहा पलटवार की तैयारी। ईरान का इंतकाम बाकी है। ईरान की संसद में शपथ बदला लेकर रहेंगे। ईरान खोल रहा है, सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान, रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को ऑर्डर पर ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इसराइल ने हमला कर ईरान को बदले की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। ईरान अब इंतकाम की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान इसराइल पर ऐसा भीषण हमले की तैयारी कर रहा है जो मिडिल ईस्ट के इतिहास में अब तक नहीं हुआ है। मतलब तो वो मरबूत भी इन हरकत शरूरानी इसके दो शब पीछे इंजो अंजाम दादन खूब खुदशून हम अलबत्ते बुजुर्ग नमाई मिकोनन बुजुर्ग नमाई उना गलत है اما توجه داشته باشید کس طرح بدلا پورا کرے گا ایران کیا ہے ایران کی یدھ کی تیاری कौन कौन से हथियार हैं इसराइल पर हमले के लिए तैयार। अली खामेनेई कब तक देने वाले हैं इसराइल पर अटैक का ऑर्डर। ईरान ने हमला किया तो इसराइल का क्या है फिर से पलटवार का प्लान। सवालों की डिटेल देखनी बहुत जरूरी है। इसके पहले वो सवाल कि ईरान के पास क्या पलटवार के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसका जवाब समझने के लिए आपको ईरान की इस वक्त के हालात समझने होंगे जो ईरान की सर्वोच्च बनने की चाहत को चकनाचूर कर रहा है। ईरान के करीब करीब सारे मोहरे धूल धूसरित हो चुके हैं। मोहरा नंबर एक हमास करीब करीब मटियामेट हो चुका है। मोहरा नंबर दो हिजबुल्ला चीफ डिप्टी चीफ समेत सारे टॉप के कमांडर मारे जा चुके हैं।
मोहरा नंबर 3 यमन के हुथी विद्रोही। इसराइल ने हुथियों के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं और वैसे भी यमन के पास इतनी ताकत नहीं है कि इसराइल के लिए अकेला चुनौती बन सके। मोहरा नंबर 4 सीरिया से ईरान को खास मदद नहीं मिलने वाली। मोहरा नंबर 5 इराक से भी ईरान को बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमास, हिजबुल्ला या हुथी सब ईरान के पाले हैं। ईरान के बिना इन समूहों की ताकत दाल में जीरे की तरह है। ईरान ने वर्षों से इन संगठनों को खाद पानी देकर पाला पोसा, अब ये सारे नेस्तो नाबूद होने की कगार पर है। लिहाजा ईरान जो मिडिल ईस्ट में इस्लाम का सबसे बड़ा अलंबरदार और इसराइल के अस्तित्व को खत्म करने के प्रति प्रतिबद्ध देश मानता है, उसकी सुपरमेसी पर ही खतरा मंडराने लगा है और इसका इलाज बस एक है कि वो इसराइल को करारा जवाब दे। पीटे हुए मोहरे को फिर से खड़ा करने के लिए ईरान को बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और वक्त चाहिए, जो ईरान के पास नहीं है। लिहाजा जंग ही वो आखिरी विकल्प है जिसमें हार युद्ध की चिंता किए बिना ईरान अपनी इज्जत महफूज रख सकता है। اقدام نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران از روی انفعال بود و به شکست دیگر برای این رژیم تبدیل شد اما جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع و ماده 51 منشور ملل متحد